काजल ये बर्तन धोना बंद करो और मुझे खाना बांध कर दे दो, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है अभी लाए। ये लो जी खाना। सुनो जी घर में राशन खत्म हो गया है, काम से लौटते टाइम राशन ले आना, और हाँ कल दिवाली भी है तो दिवाली का भी सामान लेते आना। ठीक है काजल मैं सामान ले आऊंगा। मम्मी मम्मी मुझे पटाखे चाहिए। सुन मेरे बच्चे तेरे पापा काम पर गए हैं, जब वो काम से वापस आ जाएंगे फिर मैं तुझे पटाखे मंगा दूंगी। ठीक है? नहीं मम्मी मुझे तो अभी चाहिए। सुनो बेटा ज्यादा जिद नहीं करते हैं, और दिवाली आज तो है नहीं, कल लेना मैं मंगा दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। बेटा अब तुम जाकर खेलो, मम्मी को काम करने दो। ठीक है? अब तो मैंने घर का राशन भी ले लिया और दीपावली का सामान भी ले लिया, और पता नहीं विवेक की मम्मी ने क्या क्या बताया था। अगर और किसी सामान की जरूरत होगी तो घर पूछकर ले आऊंगा। ओए यहीं रुक, जो कुछ भी तेरे पास माल है निकाल कर दे। बाबूजी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही गरीब हूँ। ओए ज्यादा बकवास मत कर, इधर आ, जो कुछ भी है ऐसे निकाल कर दे। बाबूजी इस पोटली में कुछ नहीं है, बस मेरे घर का राशन है। सरदार राशन ही सही, ले चलो ऐसे, हमें वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बाबूजी अगर आप सारा राशन ले लोगे तो मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़पेंगे। तो सुन हम तेरा राशन तुझे वापस दे देंगे, हम दो दिन के भूखे हैं, हमें भूख लग रही है। तू एक काम कर, अपने घर से हमारे लिए खाना बना कर ले, फिर तू अपना राशन ले जाना। ठीक है बाबूजी, मैं अपने घर से तुम्हें खाना बनवा कर जरूर लाऊंगा। ओए यार राशन मत लेकर जा, क्या पता तू वापस आया भी नहीं। बाबूजी आप मेरा विश्वास करो, मैं खाना लेकर जरूर आऊंगा। चल ठीक है हमने तुझ पर विश्वास कर लिया, लेकिन अपना सारा सामान यहीं पर छोड़कर जा। ठीक है बाबूजी। ओए रुक, अगर तूने किसी को बताया हमारे बारे में तो समझ लेना तुझे और तेरे परिवार को ही खत्म कर देंगे हम। ठीक है बाबूजी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्यों जी घर का सारा सामान ले आए ना? पापा मुझे पटाखे क्यों नहीं लाए? क्यों जी मैं कब से पूछ रही हूँ, बच्चा कब से पूछ रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? काजल क्या बताऊँ मैं तुम्हें? बताओगे भी क्या बात है? काजल जब मैं रास्ते में सामान लेकर आ रहा था तो मुझे कुछ रास्ते में डाकू मिले और उन्होंने मेरा सारा सामान छीन लिया। अरे डाकुओं का क्या मतलब है घर के राशन से? काजल मतलब है वो लोग कई दिनों से भूखे थे इसलिए सारा सामान छीन लिया, और कह रहे थे कि अपने घर से खाना बनवा कर ला तब तेरा सामान वापस देंगे। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, खाना ही तो मांगा है हम बनाकर दे देंगे उन्हें। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है जी। काजल ये बात तो ठीक है, पर वो डाकू हैं, अगर किसी को पता चल गया कि हमने उन्हें खाना खिलाया है तो डाकू हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तो हम इस बात का किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि हमने डाकू को खाना खिलाया है। ठीक है काजल, पर उन्होंने जंगल में खाना मंगाया है, वहाँ तो हमें कोई देख ही लेगा। देखो जी तुम चिंता मत करो, हम जंगल में ही खाना लेकर जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। ठीक है काजल चलो फिर खाना बनाते हैं। काजल जल्दी आटा मारो वरना लेट हो जाएंगे, सब्जी तो बन गई। काजल रख लिया खाना? हाँ रोटी इसमें कर ली और सब्जी इसमें रख ली मैंने, और तो कुछ नहीं लेना है ना? ये लो सब्जी का टिफिन तुम पकड़ लो। सुनो तुम ये फरसा भी ले लो ताकि गांव वाले ये समझे कि हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। काजल रुको बेटे को भी साथ ले चलते हैं। विवेक बेटा आओ। चलो
सुन रहे कलुआ, जाकर देख के तो आ रास्ता पे वो खाना लेकर आ रहा है या नहीं। जी सरदार, अभी जाकर देखता हूँ। सरदार, दूर दूर तक रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है अब वो खाना लेकर नहीं आएगा। सरदार चलो उसके घर पर डाका डालते हैं, उसने झूठ बोलकर हमसे बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे कालिया चुप हो जा, मुझे पूरा विश्वास है वो खाना लेकर जरूर आएगा, मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। अरे डाकू भैया कहाँ हो आप, बाहर आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गया। डाकू भैया मेरी आवाज सुन रहे हो ना, बाहर आ जाओ। काजल मुझे लगता है वो डाकू यहाँ से चले गई, चलो अब घर चलते हैं। रुको जी, आप एक बार आवाज और लगाइए, क्या पता वो लोग आ जाएं। ठीक है काजल। अरे डाकू भैया बाहर आ जाओ वरना हम घर वापस चले जाएंगे। सरदार मुझे लगता है वो खाना लेकर आ गया। सुनो चलकर देखते हैं कहीं वो खाना लेकर वापस ना चला जाए, चलो जल्दी। चलो काजल अब वो लोग नहीं आएंगे। अरे भैया आप इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हो, थोड़ा आराम से खाओ वरना आपको फंदा लग जाएगा। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। मैंने कहा भैया आप आराम से खाना खाओ वरना तुम्हें फंदा लग जाएगा। क्या तुमने मुझे भाई कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें बहन कह रहा हूँ। और सुनो बहन, अगर तुम पर कभी भी आफत आए तो इस डाकू भाई को याद कर लेना, तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। ठीक है भैया अब आप खाना खा लीजिए। सुनो भाई तुम्हारा खाना खाकर आज हमारा अच्छे से पेट भर गया, और भाई अगर तुम्हें कभी भी किसी काम की जरूरत पड़े तो इस डाकू भाई को याद कर लेना, क्योंकि हमने तुम्हारा नमक खाया है। ठीक है भैया, अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। चलो काजल चलते हैं। ठीक है भैया अब मैं चलती हूँ घर। चलो सरदार पेट तो भर गया, अब बताओ कौन से गांव में डाका डालना है। सुनो रे आज हम विजयगढ़ में डाका डालेंगे, क्योंकि वहां पे माल ज्यादा मिलेगा। चलो सुनो जी सुबह हो गई, आज काम पे नहीं जाना है क्या। और हाँ सुनो आज दिवाली है, दिवाली का सामान भी आना है। काजल काम पर कहाँ जाऊँ, आज तो दिवाली है, आज कहीं काम नहीं मिलेगा मुझे। अब कैसे होगा जी, घर में तो ना नमक है ना तेल है ना मिर्चे, हम क्या करें अब। काजल तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ काम के लिए। सुनो जी अगर आज तुम काम पर नहीं जा सकते तो किसी से उधारी ले लो, कम से कम घर का राशन तो आ जाएगा आज। काजल हम गरीब हैं और हम गरीबों को कोई पैसे उधार नहीं देता है। हे भगवान अब हम क्या करें, हमारी तो दिवाली भी नहीं बनेगी अब। मम्मी मम्मी क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम जाओ खेलो। मम्मी बताओ क्या हुआ। बेटा आज अपने घर में कुछ भी नहीं है और तेरे पापा को भी काम नहीं मिला, इसलिए चिंता हो रही है कि आज अपनी दिवाली कैसे मनेगी। मम्मी चिंता क्यों करती हो। अरे हाँ बेटे तूने ठीक कहा, मैं तो उसे अपने डाकू भैया के लिए भूल ही गई। सुनो जी मुझे अब याद आया, उस दिन वाले डाकू भैया के पास चले जाओ, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। हाँ काजल तुम ठीक कहती हो, मैं उस दिन वाले डाकू भैया के पास जाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है अब तुम जाओ पर जल्दी आना। अरे डाकू भैया कहाँ हो आप, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। डाकू भैया, अरे डाकू भैया। लगता है डाकू भैया ने मुझसे झूठा वादा किया था।
मुझे ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया, लगता डाकू भैया अब नहीं मिलेंगे, अब मुझे घर चलना चाहिए। क्यों जी, कुछ दिया नहीं उन डाकू भैया ने? काजल, देने की तो बहुत बड़ी बात रही, वो तुम्हारा डाकू भैया मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिया, मैंने उसे बहुत ढूंढा। जिसकी हमें आस थी वो भी सहारा टूट गया हमारा, अब तो लगता है हमारी दिवाली नहीं हो पाएगी। काजल इतना मत सोचो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। सरदार, हम पूरे विजयगढ़ को लूट लाए। ये तो बहुत खुशी की बात हुई रे कालिया, चल बैग खोल कर दिखा कितना माल है इसमें। सरदार, इसमें तो कुछ नहीं है, दिवाली का सामान है। क्या, इसमें दिवाली का सामान है? ओए चल रे, इस दूसरे बैग को खोल। सरदार, इसमें पटाखे हैं। सरदार, इसमें भी पटाखे हैं। क्या रे, तुमसे माल लूटने के लिए भेजा था विजयगढ़, तुम ये बम पटाखे लूट कर लेके आए हो। सरदार, इन पटाखों को क्या करें, फेंक दें? नहीं, इससे अच्छा तो यही होगा, किसी गरीब के घर फेंक देते हैं तो उसका भला तो हो जाएगा। ठीक कहा सरदार, ऐसा किसका घर है? सरदार, जिसका हमने नमक खाया था उसी घर पहुंचा देते हैं। अरे ठीक कहा कालिया तूने, चलो चलते हैं, उसी के घर पहुंचा देते हैं। और हाँ, तुम दोनों यहाँ पे पैरे लगाते रहना, जब तक हम ना आए जब तक तुम्हें यहीं खड़ा रहना है। अरे कालिया, चेहरा घुमाओ अपना। मैंने कहा चेहरा घुमाओ अपना। भैया, मुझे तो लगा था आपने मुझसे झूठा वादा किया है। नहीं, चुप हो जाओ बहना, बेशक हम डाकू हैं, हमने तुम्हारा नमक खाया है। जो डाकू अपना वादा करते हैं बहना कभी भूलते नहीं है। बहना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इन बैगों में दिवाली का सामान है और एक बैग में कुछ पैसे भी हैं जो तुम्हारे काम में आएंगे। भैया, अगर आज आप दिवाली का सामान लेकर नहीं आते तो हमारी तो दिवाली ही नहीं मन पाती। अरे बहना, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जब तक तुम्हारा ये डाकू भाई जिंदा है तब तक तुम्हें कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा, अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओए सूर्य कालिया, आज के बाद हर रोज तुझे बहना के घर की निगरानी रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज की बहना को कमी ना होने पाए। बहना, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा रुकने से तुम्हें परेशानी हो जाएगी। रुक जाओ भैया, खाना खा कर जाना। नहीं बहना, हमें जाने दो, किसी और दिन तेरे हाथ का खाना खा लेंगे। बस भैया, 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी खाना बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं बहना रुको, अगर हमें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। बहना, हमें जाने दो। अरे कालिया,